Good morning, students. Today we'll continue with the chapter Introduction to Euclid's Geometry. आपने कल 5 postulates पढ़े थे Euclid के द्वारा दिए गए थे. जो अब जो 5th postulate था Euclid का, उसके कुछ equivalent versions हैं. Equivalent versions मतलब वही बात किसी और ने कही लेकिन कुछ दूसरे शब्दों में कही. तो सबसे पहले जॉन प्लेफेयर करके एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन हुए थे. 1729 में उन्होंने एक एग्जियम दिया विच इज़ फेमसली नोन एज प्लेफेयर्स एग्जियम एंड इट इज़ ऑल्सो द इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ द यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट. उनकी स्टेटमेंट थी फॉर एवरी लाइन, प्लेफेयर्स एग्जियम की स्टेटमेंट है ये, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी not lying on this line L, there exists a unique line M passing through this point P and parallel to the line L. क्या मतलब, ये लाइन L है और एक पॉइंट P है जो कि इस लाइन के ऊपर नहीं है. अब इस पॉइंट P से यू नो वी कैन ड्रॉ इन्फिनाइट लाइन्स, लेकिन उन इन्फिनाइट लाइन्स में सिर्फ एक ही ऐसी लाइन होगी, यूनिक मतलब एक, वन एंड ओनली वन लाइन M, जो कि इस पॉइंट P से गुजरती हो और इस लाइन L के पैरेलल हो. इसी तरह एक और आसान इक्विवेलेंट वर्जन है यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट का. द स्टेटमेंट इज टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आई होगी. यू हैव टू लर्न दिस पोस्टुलेट्स ऑल्सो. नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 5.2, पहला क्वेश्चन है कि आप यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट को किसी भी आसान तरीके से या अपनी भाषा में या कोई और तरीके से का मतलब है कि आपने जो भी आसान डेफिनेशन आपको लगती हो 5th पोस्टुलेट की, उस तरीके से आपने लिखना है. तो आई थिंक द इजिएस्ट टू लर्न इज टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन. चाहे ये लिखें चाहे ये लिखें, ये आपकी मर्जी है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज कि यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट क्या पैरेलल लाइन्स की एग्जिस्टेंट बताता है. यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट से क्या हमें पैरेलल लाइन्स की एग्जिस्टेंस का पता चलता है. तो पहले हम ध्यान दें, 5th पोस्टुलेट आपको अगर याद हो तो क्या था कि अगर दो लाइंस हैं y एंड z और एक तीसरी लाइन x है विच फॉल्स ऑन दीज टू लाइंस, एंड इफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ दिस लाइन l x सॉरी इज हेयर एंगल 1+2, इफ दिस एंगल 1+2 इज लेस देन 180 देन ऑन दैट साइड दीज टू लाइंस विल मीट. इसका मतलब अगर इस द लाइन्स विच आर नॉट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स 5th पोस्टुलेट, जो इस 5th पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि एंगल 1+2 इज नॉट लेस देन 180, इट इज इक्वल टू 180, दैट मीन्स दैट लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट. इन दिस वे नेवर इंटरसेक्ट का मतलब हुआ कि लाइन्स आर पैरेलल. So this way we can establish the existence of parallel lines. I hope aapko ye samajh mein aaya hoga. If you have any difficulty, ask me.